गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम हमारी साथी कविता देखने वाले हैं और हमारी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो कविता है इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। पहले तो हम जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। कवि परिचय में तो देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 में 15 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। सन 1974 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सन 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 नवंबर 2002 को इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय, सृजन आदि। ये जो है कवि शिव मंगल सिंह जी का परिचय है। उनका जन्म जो है 5 अगस्त 1915 को हुआ था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। और सन 1974 में जो है उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। और सन 1993 में जो है उन्हें भारत भारती पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। फिर 27 नवंबर 2002 को उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। और कवि शिव मंगल सिंह जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें से एक है मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय और प्रलय सृजन इत्यादि, है ना आदि। तो अब देखिए इस प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह क्या कहते हैं। तो देखिए कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। तो इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की पीड़ा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पक्षी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी दुखी रहता है, उसी प्रकार गुलामी में मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह पाता। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका स्वच्छंद उड़ने का अधिकार मत छीनो। पक्षी के मन का दर्द कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो देखिए इस कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने जो है पिंजरे में कैद पक्षी के माध्यम से गुलाम देश के लोगों की जो है पीड़ा और उनकी जो व्यथा है उसका वर्णन किया है। जिस प्रकार सोने के पिंजरे में बंद पक्षी भी जो है स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी जो है दुखी रहता है, उसी प्रकार गुलामी के अंदर मनुष्य भी कभी सुखी नहीं रह पाता। मनुष्य से जो है पक्षी प्रार्थना कर रहा है कि उससे उसका जो है स्वच्छंद यानी मुक्त फिर उड़ने का जो अधिकार है वो मत छीन। और पक्षी के मन का दर्द जो है इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो शुरू करते हैं हम हमारी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो देखिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न जा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के माध्यम से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो देखिए यहाँ तक आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, तो आप शब्द देखिए नए शब्द। तो देखिए उन्मुक्त यानी क्या, खुले या मुक्त, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, कनक तितलियों यानी क्या, सोने की सलाखों, पुलकित यानी क्या, प्रसन्न, कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी क्या, नीम का फल, कनक कटोरी यानी क्या, सोने की कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला यानी क्या, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर,
और अंतिम जो शब्द है वो फुनगी। फुनगी यानी क्या? पेड़ की ऊंची डाल। फुनगी यानी क्या? पेड़ की ऊंची डाल। ठीक है, तो ये जो शब्द है, अब देखिए, अब जो है हम कविता का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदन गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कविता में एक पक्षी जो अपनी स्वच्छंदता की और स्वतंत्र रहकर आकाश में उड़ने की, आकाश की सैर करने की जो आकांक्षा को जो है अभिव्यक्त करता है। पक्षी कहता है कि जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी अर्थात ये जो है पक्षी कहता है कि हम पक्षी जो है अपनी आजादी पसंद करते हैं, और यदि हमें जो है पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हमारे स्वरों से बोल भी न टूटेगा, और सोने के पिंजरे की तितलियों से टकराकर हमारे पंख आहत हो जाएंगे, या फिर पंख जो है हमारे टूट जाएंगे, ऐसा जो है पक्षी मानव से कह रहा है। आगे देखिए, अगली पंक्तियां हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कटुक निबोरी कनक कटोरी से की मैदा से। इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो पक्षी है वो हमें बता रहा है कि हम पक्षी जो है स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, और नदी नालों झरनों जगह जगह उड़कर जो है जाकर जल प्राप्त करते हैं। हम जो है कड़वी निमोनी खाकर जो है संतुष्ट है। निमोनी यानी क्या? अभी बताया मैं, नीम का फल, नीम का जो पेड़ होता है उसे जो फल लगता है उसे क्या कहते हैं? निमोनी कहते हैं ना। और यहाँ पर पक्षी कह रहा है कि हम जो है बहते झरनों का पानी पीने वाले, हम जो है नदी नाले जो है घूम कर उड़ कर जो है जल प्राप्त करने वाले, पानी जो है प्राप्त करने वाले, भले ही जो है हम कटु जो कड़वी जो निमोरी है वो खाकर हम भले ही संतुष्ट है, लेकिन जो है हमें आजाद रहने दो। ठीक है, अब देखिए आगे अगली पंक्तियों में कवि क्या कहता है। देखिए पक्षी के माध्यम पक्षी जो है क्या बताता है। देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। तो इन प्रस्तुत कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है पक्षी के मन की व्यथा बता रहा है कि क्या पक्षी क्या कह रहा है कि सोने के पिंजरे में बंधे हुए हम अपनी जो है उड़ान और अपनी गति सब भूल गए हैं। सोने के पिंजरे में हम जो है बंद होकर बंधे हुए, इसलिए क्या हो गया है हम जो है हमारी जो उड़ने की जो शक्ति है और जो गति है ये सब हम भूल गए हैं। बस हम अपनी जो है कल्पना मात्र में जो है पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर जो है झूले झूलते पत्तों को केवल सपने में देख रहे हैं, ऐसा जो है यहाँ पर पंछी जो है कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों को आपको हाईलाइट करके लेना है। तो देखिए, शब्द है उन्मुक्त, पिंजरबद्ध और जाएंगे, उसके बाद कनक कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला और जो है निमोरी, इन शब्दों को जो है आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, शब्द हाईलाइट करना है उन्मुक्त, देखिए एक शब्द आपको हाईलाइट करना है, नए शब्द है उन्मुक्त, उसके बाद है पिंजरबद्ध, अगला जो शब्द है वो है जाएंगे,
उसके बाद निबोरी, निबोरी और कनक कटोरी, स्वर्ण श्रृंखला, ये जो नए शब्द है ये आपका जो है क्लास वर्क है, ठीक है। ये क्लास वर्क में आपको तीन बार लिखना है। अब देखिए जो नए शब्द आपने पहले देखे थे, तो देखिए उन्मुक्त यानी क्या, खुले या मुक्त, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, कनक तितलियों यानी सोने की सलाखों, पुलकित यानी प्रसन्न, कटुक यानी क्या, गढ़वी, निबोरी यानी नीम का फल, कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी और स्वर्ण श्रृंखला यानी क्या, सोने की जंजीर और फुंगी यानी पेड़ की ऊंची डाल। तो ठीक है, आज जो है हम यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।